कितने भी कानून बने, क्या कानून भी बहुत सारे दलितों के लिए बने, बल्कि जमीनी रूप से कितने कानून और पीआईएल बनती है, तो जो उनको सुचारू रूप से चलाने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति हम में से कोई नहीं होता या हमारी विचारधारा का नहीं होता, वो व्यक्ति कोई और है, तो वो चीजें फिर हमारे साथ लागू नहीं होती। जैसे अभी सर ने बताया था पट्टे का, तो पट्टे में कई एक जगह ऐसा है कि पट्टे दिए गए हैं, भूमि भी उनको मिली है, उस भूमि पे मिलने के बाद में अभी क्या बीजेपी का जो शासन काल है इसमें वो पट्टे उनसे उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनने छीन लिए हैं, उन पे कब्जा कर दिया है, और कब्जा करने के बाद अब वो अगर आवेदन लेकर जाते हैं कलेक्टर के पास जाते हैं या एसडीएम के पास जाते हैं, तो वो सीधे धक्के मार के भगा देते हैं कि तुम्हारे पट्टे निरस्त हो। ऐसे पट्टों की हमने क्या सर्टिफाइड कॉपियां वहां से निकलाई, पट्टे उन्हीं के नाम से, बट उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमने इसके अलावा वहां पे उनसे आवेदन भी दिलवाया, सबदूर एसपी को दिलवाया, फिर उनके कलेक्टर को दिलाया, एसडीएम को दिलाया, इसके बाद मानव अधिकार आयोग को दिलाया, उसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में मैंने उसमें तहसील में केस लगा रखा उनका। इसके बाद में बहुत सारी जगह ऐसा था, हमारा एक केस था जन साहस के थ्रू चला था, मैं इंदौर से एमएस कर दिया एडवोकेट हूँ, मैं पिछले 13 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो एक केस था जिसमें कि एक व्यक्ति था, उसकी काकी मतलब चाची जो होती वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनका जो मृत्यु भोज होता है वो सरकारी जमीन में वो कर रही थी। ये इंदौर जिले के सागर तहसील का केस है, वहां पर वो मृत्यु भोज कर रहे थे, और वहां पर जब उनका मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था उस समय वहां पर दबंग लोग आए और उनने सारा खाना उनका फेंक दिया, उनके साथ मारपीट की, और वो केस बहुत ज्यादा मीडिया ने उठाया, जनसाहस ने उठाया, उसके बाद में उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस केस में कार्रवाई नहीं होने के बाद में हमने सिद्धू उसमें आवेदन दिलवाया, मानव अधिकार आयोग को दो दो बार दिलवाया, इसके बाद में एस पी आई सभी को दिलाया, बल्कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें उन लोगों ने अभी उसमें जो खुली जमीन पड़ी थी उसमें बाउंड्री वाल भी कर लिया उन लोगों ने, तो मैंने अभी उसमें धारा 200 में 200 के अंतर्गत प्राइवेट कंप्लेंट लगाई और 200 के अंतर्गत जो वो पीड़ित है उनके बयान भी करवा दिए अभी, और गवाहों के बयान के लिए 201 के लिए मैंने समय ले रखा, उसमें अभी अगली तारीख लगी तो उसमें बयान करवा दूंगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मेघनगर का शायद आपने पढ़ा होगा, सन 2012 का फरवरी का, जहाँ आदिवासियों का एक सम्मेलन बाम सेट के थ्रू चल रहा था, और वहां पे भी ये हुआ था कि 2000 लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे खाना वाना सब बना था, वहां पे एक जोशी करके सब इंस्पेक्टर था वो आया, तो उनने देखा कि यार गतिविधियां क्या चल रही है, उन्होंने वहां देखा तो वो कह रहे थे कि ये तो हिंदू विरोधी गतिविधियां है, और उस गतिविधि को उन्होंने फोन किया बजरंग दल वालों को और संघ वालों को, वो लोग वहां आए और उन्हीं लोगों को मारा भी सही, उनका टेंट फाड़ डाला, उनके सारे गाड़ियों के कांच फोड़ डाले, और उसके बाद में वो जाते हैं थाने पे बाकायदा 307 की कहानी भी हमारे ऊपर उन चीजों में भी। फिर उसके बाद में जो हमारे बड़े बड़े वहां पे एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी माफ चाहूंगा, एक खंडवा के नायब तहसीलदार साहब थे वो अंदर थे, एक रतलाम के टीचर थे वो अंदर थे उसमें। उसके बाद में फिर उनकी जमानत तक नहीं हुई, इसके बाद में फिर 28 फरवरी को हम लोग गए थे, एक दिल्ली से वकील साहब आए थे, एक इलाहाबाद से आए थे, मैं भी गया था, एक भोपाल से वकील साहब गए थे। इसके बाद में वहां पे जज साहब से जब चर्चा हुई तो उसमें क्या था कि जो इंस्पेक्टर था वो एसटी के थे जांच करने वाले, तो उनसे जब चर्चा की गई कि ये आपने 307 कैसे लगा दी पहले, तो जब व्यक्ति को इतनी चोट ही नहीं है, उस व्यक्ति को आया व्यक्ति और आपने 307 की कायमी कर दी इनके खिलाफ, और दूसरी चीज उसने एक्सरे रिपोर्ट तक नहीं लगाई। उसके बाद में मैं गया तो वहां पे जैसे आपसे जब बहस हुई, बहस होने के बाद में डीजे साहब वहां पे कोई गर्व करके थे उनसे चर्चा हुई झापा में, उनने बोला कि इसमें एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं हम कर देंगे। तो एक्सरे रिपोर्ट के चक्कर में फिर सभी लोग उसमें आ गए कि यार कहीं एक्सरे रिपोर्ट ये नहीं बदला है, जाके भर्ती नहीं हो जाए ऐसी चीजें। तो मैंने जो हेड कांस्टेबल वहां से डायरी लेके आए थे उनसे बोला कि भैया आप वर्मा लिखते थे, वो मैंने कहा आप किस मात्रक साहब, मैं भी एसटी में आता हूँ और ये जो वहां पे थानेदार साहब है वो भी एसटी है। मैंने कहा यार जब आप एसटी के हैं तो कम से कम आप सपोर्ट मॉरल तो कर सकते हैं। तो उस चीज को लेके वो फिर एक्सरे रिपोर्ट उसी समय मंगाई और दूसरे दिन उनकी जमानत। तो ऐसे मुद्दे खुद जगह हैं श्रीमान जी, बल्कि इन मुद्दों पे हम लोग आपकी विचारधारा के साथ हम चले, हमारी विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा और तभी इन मुद्दों से हम आगे निकल सकते हैं। हमारी सोच को पहले बदलना पड़ेगा। जातिवाद की अगर बात करें तो मेरा जहां तक मानना है कि जातिवाद जो पहले छुआछूत चल रही थी वो छुआछूत तो कम हुई है, बल्कि आज जो छुआछूत है मानसिक तौर से, आज दिमागी तौर से व्यक्ति को छुआछूत चल रहा है। आज वो ऐसे दिखावटी तौर पे नहीं करते, आज मानसिक तौर पे कि इस व्यक्ति को पीछे कहां कर रहा हूं उस हिसाब से चल रहा है। बस मेरा इतना विचार है, धन्यवाद।